में गोटका पिएगी, टकीला पिएगी, या तू लिकर पिएगी, या शॉर्ट्स पिएगी, ब्लेंडेड व्हिस्की तो पी ले। मैं तो 800 देख रही थी, तो 1000 का भी है। वाई मशरूम रिसोटा खाएगी? नहीं, रिसोटा नहीं, रेड सॉस पास्ता मंगा ले मेरे लिए। फिर वो घर जा, अपने घर जाके बना लियो। यार मुझे तो कुछ उसके लिए बनाना भी पड़ेगा। ओ, तो एक प्लान है, ये दे सकते हो। यहाँ चुप, देखो क्या लिखा है। आप अच्छा मजा आया। मैंने पूरा लेटर जो कि नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली, तो अभी मैं इसको पैक करके फटाफट से निकल रही हूँ। और मेरे को भी मम्मी को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हल्की से नाराज़ है। आज से पहले कभी भी मैं रात को, ये देखो 11 बज रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसका घर ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर है मुझे। और बंदा खाने के बाद खुद को पीट सकता है कि मैंने। कई बार तो मैंने तिरामिसु मंगा लिया और उसमें दारू निकल गया। तुम पता, अपने लिए देख रही है, मुझे पता ऐसे लगे खुले हैं ना, तो भैया टेस्टिंग भी करवाते हैं उनकी। आप टेस्टिंग भी करवाते फिर रशर की? तो फिर बाकी की जान गई। मेरी बर्बादी धोएगी तू कच्चे। देखेगी सास बहू और दूरदर्शन से जाएगी। इधर से निकालो बात, इधर से, इधर से। ओए मेरे तो पूरी निकल गई। So today is Ashu's birthday, मतलब आज नहीं है, कल है, कल स्टार्ट हो जाएगा। Happy birthday in advance भैया। ठीक है, मैं ऐसी बस रैंडमली बना रही हूँ। हम लोग अभी FNP पे आए हैं, क्योंकि इसको फ्लावर्स का बहुत शौक है, आप सब लोगों को पता है। उसको थोड़ी सी खुशबू आती है नेचुरल चीजों से, क्योंकि उसको दूसरों के पैसों की सिर्फ चीजें अच्छी लगती है, जैसे फ्लावर्स वगैरह। खुद के रहते हैं अच्छी लगती है, तो खुद खरीदा करना। ये ले लो छोटे से, वो ये जिससे लग रहा है सबके साथ। ठीक है, निकलो यहाँ से, तुम लोगे कुछ या नहीं लोगे? ये तो बता दो अब इसका तो मुझे। ओ भाई, उन्होंने तो सब महंगी कर दी है। काम करो, जैसा हमने आपके बर्थडे में बनवाया था ना, इस तरह का चॉकलेट्स अटैच करवा। उसको चॉकलेट्स नहीं पसंद, वो नहीं खाएगा, मुझे ही खानी पड़ेगी। खुश कितनी हो रही है कहीं। मुझे 5 मिनट देना, किसी का बर्थडे है, मैं सोच के। अभी आप निकल तो नहीं रहे ना? अभी तो बहुत टाइम है। दीज एंड दीज बहुत सुंदर लगेगा, चाहे दो दो ले लो। कर दो भैया, कॉम्बिनेशन चार का नहीं बनता। या तो इतना रखा ऐसी है कि 15-20 लगाए इसने। ये दे दो। तो एक प्लान है, ये दे सकते हो। यहाँ चुप, देखो क्या लिखा है। आप अच्छा मजा आया। देखो पहले क्या लिखा है। हाँ ठीक है, दी मैं उसके लिए केक यहाँ से नहीं खरीद रही, क्योंकि उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं अपने घर जाके कुछ बेक करूंगी केक। उसको पता नहीं कौन सा बेनोफे पाए। उसको भैया दिखाना कौन से फ्लावर लेके जा रहे हो। एक सेकेंड, कांटे होते हैं ये बताना चाहिए ना। मैम आपने तो पकड़े, दिखाने के लिए बोला, मैं देखा रहा हूँ। पकड़े ये आपने, पता है सारे मुरझाए हुए दिए हैं। मुरझा हुआ नहीं मैम, नीचे वाला पेटल तो गत्ते में था, देसी गत्ता। इतना सा फूल है बस ना, बेनोफाई जो भी उसके लिए केक आता नहीं है, बोलना बनाऊंगी बस। जो भी है गुनगुन की मदद से बनाऊंगी क्योंकि उसकी बेकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वही करूंगी अभी। मुझे उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी रात के साथ रहने के लिए मम्मी ने मुझे अलाउ कर दिया है कि रात को मैं 12 बजे उसके घर जा सकती हूँ। पहली बार में किसी दोस्त के घर जा सकती हूँ। जय श्री राम। पता है व्लॉग में इंटरप्ट होने के लिए ना, तुझे केक कोई भी नहीं देगा इस वक्त। हाँ पता है, अमीर लोग ना ऐसी चीज देते हैं, कोई ये फ्लावर फ्लो। अरे गुड लक फ्लावर्स कहते हैं, कुछ आते हैं गुड लक। ये गुड लक है तो गुड लक दे दे उसे। यार मुझे तो कुछ उसके लिए बनाना भी पड़ेगा। और ये तो पूरा 1500 ये नहीं, मुझे लग रहा है उसकी ना स्टडी टेबल के लिए ये दे, पर उसके पास तो स्टडी टेबल ही नहीं है। यार गुनगुन ही ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का है। तो दीदी आप एक काम करो, उनके हाथ से बना लो कुछ अच्छा दो ना मुझे। भैया हैप्पी बर्थडे का और नहीं है कोई अच्छा? ये तो नहीं अच्छा लग रहा। तुम पता है अपने लिए देख रही है, मुझे पता है ऐसे लग रही है खुले हैं ना, तो भैया टेस्टिंग भी करवाते हैं इनकी। आप टेस्टिंग भी करवाते फिर रशर की? तो फिर बाकी की कहाँ गई? मेरा मन करे पूछ लो क्या मुझे खिला सकते हो। अगर मैंने एक तोड़ी तो मुझे ये पूरे के पैसे भरने पड़ जाएंगे। एंड आई स्वर इनके पास कुछ भी प्लान नहीं था, केक भी बनाने का, कार्ड का भी, सब मैंने आइडियाज दिए कि आप एक केक बना सकते हो उनके लिए। फिर उन्होंने कहा कि उसको तो पसंद है कुछ बिलोटी सी। मैंने कहा बेनोफे होता है वो। चुप रहो, आप नहीं बोला। मैंने बोला था केले का केक पसंद है। हाँ केले का केक पसंद है, बिलोटा सा नाम है कोई। बहुत अच्छा भैया, कितने का हुआ टोटल? ये लो। नहीं मामा इधर सुनो, इसको पकड़ लो, देखो कितना प्यारे से लग रहा है। अब मैं क्या लूँ? अब देख तू खाए चाहे तू ना खाए, मैं दीदी आंटी मेरे और अंकल के लिए ले रही हूँ। ले रही हूँ ये हेजलनट वाला केक, क्योंकि मुझे यही अच्छा लग रहा है लुक वाइज। नहीं तो मैं हनी एंड डू भी कर सकती हूँ घर पे ऑर्डर। कुछ अच्छा कर सकती है? देखिए एक बारी ऑनलाइन मुझे दिखा। देख हनी एंड डू शुगर एंड स्पाइस, किसी पे कुछ नहीं मिला, बहुत गंदे गंदे छोटे छोटे से मिल रहे थे। हेजलनट वाला ही दे दो। HBD आशु दिल
भैया कहेंगे ये हमें दिल बिल बनाने बैठो। ये है केक जो पसंद आया है मुझे, हरा नहीं चाहिए वो पर्पल वाला दो। मैं ये भी ले लूँ तेरे लिए, कभी मैंने छुड़ाया नहीं है और मेरे को लगता भी नहीं मेरे से छूटेगा। इसके ऊपर प्रिंस लिखा है, ये ले लेते हैं राइट टू वे। इतने जल्दी 11 बज गए क्योंकि मैं 10 बजे तो अपने घर वापस ही आई हूँ और मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट है इस कार्ड में लिखने के लिए जो कुछ भी है, और उसके बाद मुझे फटाफट से निकलना भी क्योंकि मम्मी का बहुत मूड स्विंग हो रहा है, वो मुझे जाने नहीं देगी 10 मिनट के बाद। हुआ था इन्होंने ना एक हैंडमेड गिफ्ट बनाया था और वो पूरा का पूरा इन्होंने मुझसे बनवाया था, इन्होंने पता भी नहीं था कि इसमें क्या लिखा है, और इन्होंने जाके एज इट इज आशुक खाना मेरी आपकी कसम ये तो पता था, ऑब्वियसली नहीं पता होगा कि क्या लिखा है, बट आप रील चला रही थी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इससे इन्होंने आधा लिखा था और आधा मैंने लिखा था, मैं खुद से लिख रही हूँ एक अच्छा सा अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। और अगर यू आर सीरियसली अ वुमन तो आप इसके चलते चलते बनाओगे क्योंकि मुझे पता है वीडियो बंद होती है इसको मैं लिखूंगी। किया मैंने पूरा लेटर जो कि नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली, तो अभी मैं इसको पैक करके फटाफट से निकल रही हूँ 5 मिनट के अंदर, और मेरे को अभी मम्मी को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा क्योंकि वो हल्की से नाराज है आज से पहले कभी भी। मैं रात को ये देखो 11 बज रहे हैं ठीक है, तो मुझे भी निकलना पड़ेगा क्योंकि इसका घर ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर है मुझसे, और मैं एकदम ऐसे करने लग गई सरप्राइज देने के लिए कि भैया मैं तो 12 बजे ही घंटी बजाऊंगी तो मेरी मम्मी मेरी घंटी बजा देगी। आई कांट ट्रस्ट एंड आई कांट टेक अ रिस्क। तो नीचे तक छोड़ने चलो, चलोगी मम्मी? मैं तो नाराज तो नहीं है, आई एम रेडी। और मम्मी हल्की हल्की सी वो है गुस्सा, पर कोई नहीं कभी कभी चलते हैं यार दोस्तों के लिए, थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना, बट मैं अपनी पूरी प्रिकॉशंस के साथ, और ज़्यादा दूर नहीं आशु का घर मेरे घर से, ऐसे रिस्क नहीं लेने का, तो मैं फुल एकदम प्रोटेक्शन के साथ जा रही हूँ शेड्स वगैरह लगा के। मम्मी हेल्प कर रही है मेरी निकालने में, लगता है अंदर से लगता है, आज तक मैंने लगाए नहीं कभी यार, ये तो बहुत ही बड़े वाले हैं मम्मी, इनको लगाने में मुश्किल होगी। नहीं चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऐसे मैं रात को निकल रही हूँ, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है मेरी मम्मी ने मुझे अलावा कैसे कर दिया सच में। एक तो है ना ये इतनी भसड़ करके रखते हैं हमारी सोसाइटी में, देखो जैसे उसकी बाप की रोड लगा के चला गया यार, यहाँ नहीं पंगे लूँगी रात को है ठीक है। अभी थोड़ा बहुत ही व्लॉग कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकती, जल्दी से पहुँचती हूँ घर पर उसके और उसका रिएक्शन देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अब जाना इसकी गली में पिटबुल है, फक धक धक हो रही है, चलते हैं इसके घर पे। पहली बार कर रही हूँ पता है, ऐसा मुझे पता भी नहीं क्या बोलूँ। हैप्पी बर्थडे, पंद्रह मिनट कैसे है लेकिन? बस आ गई मैं, कैसे पता नहीं कैसे, मम्मी ने कैसे भेजी तेरे को भाई? वही सही में हाँ हाँ, अरे यार देखे झूठ भाई। अभी मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं घर के काम में थोड़ी सी बिजी थी, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे आशु से मिलने के लिए जाना है, और हम लोग बस किसी कैफे वगैरह जाइए क्योंकि शाम को उसका प्लान भी अपनी फैमिली के साथ ही बाहर जाने का है ना, तो मुझे इसलिए टाइमली पहुँचना है। मेरे पास वाले सैलून में अपने बाल कटवा रहे हैं और मैं बस सिर्फ 10 मिनट से तैयार होने के लिए, मैं इंटेंशनली ये सब नहीं पहनना चाहती थी लेकिन मुझे पहनना पड़ा क्योंकि मेरी बहन मेरे कपड़े पहन के चली गई मम्मी के साथ मूवी देखने, जो मुझे आज पहनने थे। टेंशन मत लो, कलेश मैंने फुल ऑन कितने गंदे मारे हैं, रो भी ली, और अभी बस मेरे पास ये ऑप्शन था तो मैं यही पहन के आ गई, तो मैंने छोटा सा गेट रेडी विद मी भी बनाया, देख लेना अगर देखना हो तो। लेट्स गो, अभी चलते हैं फटाफट से, एक तो पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है तूफान आने लग गए इतनी तेज तेज, ये जगह सिर्फ यहाँ के तो इसके पैसे हैं सिर्फ इस चीज़ के, एक एक डिश यहाँ पे 1000 रुपए की है। लेकिन एक बात बोलूं, ये जगह इतनी ज्यादा अच्छी लगी ना मुझे, खूबसूरत है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि हम दोनों के लिए नहीं है एक तो हाँ। और दूसरी चीज यहाँ पर खाना बहुत महंगा है, ये भी ये बहुत अच्छा लगा, मेरा खर्चा होने वाला ज्यादा आज। अरे यार नहीं कराऊंगी इसका खर्चा, मैं तो करवाऊंगा, मेरे को तो खाना है, मैं तो भूख लग रही है मेरे को बहुत, तो ड्रामे में आ जाए। आशीष मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, वी शुड गो समवेयर एल्स, इट्स ऑनेस्ट, तो मैं तो 800 देख रही थी, तो 1000 का भी है। वाइट मशरूम रिसोटा खाएगी? नहीं रिसोटा नहीं, रेड सॉस पास्ता मंगा ले मेरे लिए, फिर वो घर जा अपने घर जाके बना लियो। हाँ के भी तुझे यही खाना है, ब्राउनी शेक पे। वो दोस्त नहीं थी बबीता, उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, अरा बबीता इसे संभाल अगर गिर गए तो और करना पड़ेगा। हाँ ये जो पैर में से कहने का है ना ब्रोकली वाला, हाँ इसको मैं ऐसी चीज नहीं खाऊंगी, मैं ऐसी चीज नहीं खाऊंगी, मेरे लिए ऑर्डर करो, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, नॉन वेज खा गया। आशीष प्लीज कुछ करना अच्छा, ये पता है इधर इधर एक मिनट, इधर
अगर इतने टफ नाम लिखे हुए हैं, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा टफ हैं, तो कुछ नहीं समझ आ रहा। और पैसे तो हैं ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, तो ये क्या करेगी, ये 825 में 925 नहीं देखेगी, अब ये नंबर पे चली जाएगी, नाम से सिट होकर नंबर पे। और उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो खाना आता है टेबल के ऊपर वो इतना होता है गंदा कि बंदा खाने के बाद खुद को पीट सकता है कि मैंने कई बार तो मैंने तिरामिसू मंगा लिया और रोजमान मंगा दो और इसमें दारू हमें फेंकना पड़ा पूरा। वो गुटखा पिएगी, टकीला पिएगी, या तो लिकर पिएगी, या शॉर्ट्स पिएगी, ब्लेंडेड डिस्क तो पी ले। हमें पता हम दो आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हमें पूरे घर वालों के साथ मिलकर कंट्री करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका नाम तेरे को पूरा पढ़ के बताऊं, क्रिस्पी अर्बोरियो राइस क्वाच के इधर है। तेरे पास ये बता, इतने पैसे हैं क्या ये सब मंगाने के, ये तो बता दे। नाम पढ़ के पहले खुश कर लूं खुद को, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कोलंबिया लैंग्वेज लिखी हुई है कहाँ से लेके आए हैं। बस ये समझ आ रहा है फूड मेन्यू लिखा हुआ, मैं तो देख पन्ने छोड़ के आऊं पीछे। शेक मंगा ले, ब्राउनी शेक कह रहा, फिर तू वहीं आ गई। मंगा लेना, आऊंगी वो नहीं खाना जो खाया हुआ है, जो नहीं खाया वो खाए। तो रेड सॉस खाएगा नहीं, और पिज्जा स्प्रिंग रोल हांगकांग की हो गए, यहाँ के नहीं है स्प्रिंग रोल का, हमारी जो इधर इंडिया में बिक रहे वो इसके के हो गए। सुनो यार, अभी हम कुछ डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं, बाय। मेरे से बिना पूछे इतनी जल्दी एक्सक्यूज मी बोला, पानी मंगाएगा तू। इसमें से ना हमारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत तेज तेज टंकी का पानी थोड़ी है, कोई बारिश हो रही है, कुतुब मीनार की भी लाइट जल रही है, लेकिन तू चलाएगा गाड़ी? लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि आशु को टाइमली जाना भी है और खाना पीना भी खा ही लिया था, तो फालतू में रुक के क्या ही करते। तेरी बर्बादी धोएगी तू कच्चे, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी, तू हाउस बीबी और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। बिग बॉस में नहीं जाऊंगा मैं, तू यौन निकाल, मैं एग्जैक्ट सेम निकाल दूंगा। पहले हाँ से बोलने, नॉर्मल बात नहीं करनी है तो फिर कैसे और ये बहुत रैंडम सा व्लॉग था एक्चुअली, ये मैंने खुद के लिए शूट किया ही नहीं था, ये आशु के लिए बना रही थी मैं पूरा, मतलब जो स्टार्टिंग वाला था, और उसके बाद उसे डाला ही नहीं पूरा, बहुत कम डाला, तो उसके बाद जो बच गया, अभी थी मेहनत की थी तो मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में डाल देती हूँ। तो ये बहुत रैंडम व्लॉग है, अनप्लान्ड है बिल्कुल, बट देख लो कोई बात ही, नेक्स्ट व्लॉग आएगा कल के अगले दिन, मतलब परसों, हाँ तब देख लेना नेक्स्ट व्लॉग। ओके, अब मैं थोड़ा सा रेगुलर हो रही हूँ, सो